हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आ गए हैं CSIR धनबाद, जो कि माइनिंग के लिए बहुत ही फेमस है। और यहाँ पर हमारे दोस्त लोग सभी घूम रहे हैं और हम आज यहाँ पर वीडियो बनाने वाले हैं, तो चलो स्टार्ट। तो अब हमने सारा एग्जीबिशन काउंटर को देख लिया है, अब इसके बाद हम अपने दोस्तों से रिव्यू करेंगे कि उनको यह मॉडल कैसा लगा, और हम अपने मैम से भी बात करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे अनुज कुमार से। अनुज कुमार निराला, क्या आपको क्या लगा, कैसा मतलब आप आए यहाँ पर एग्जीबिशन देखा, क्या मतलब क्या महसूस क्या हुआ? यहाँ के मॉडल सब अच्छे लगे हमारे, हमारी स्कूल का जो बच्चे लोग आए हुए हैं, जो फ्रेंड लोग मेरे, वो सब अपनी सेल्फी और अपने बारे में, वो अपने आप को देख रहे हैं, मॉडल बहुत कम देख रहे हैं और सेल्फी और फोटो ग्राफी ऑटोमेटिक अपने खुद के कर रहे हैं। और एक सुजीत से भेंट कीजिए हमारे दोस्त। तो सुजीत कुमार, आप क्या मतलब आए, क्या एक्सपीरियंस किए बताइए। सब लोग को प्रोजेक्ट से ज़्यादा फोटो खिंचाने में मतलब आप बोलना चाहते हैं कि फोटो आजकल ट्रेंड चल रहा और एक्सपेरिमेंट देखने के जहां सब लोग फोटो देख रहे थे इंस्टाग्राम पर, और इंस्टाग्राम हो गया फेसबुक है, इस पर अपना फोटो। मैम आप आई तो आपको कैसा मतलब महसूस हुआ? दीदी जी थोड़ा सा मतलब क्या दीदी जी यहाँ पर सबसे अच्छा मतलब मॉडल आपको कौन सा लगा? मैं पप्पू कुमार, मतलब आप यहाँ पर आए आपको कैसा एक्सपीरियंस? अरे लाइ बहुत सबसे पहले मतलब वहाँ पर पहुँचे तो हमें बिस्कुट और लस्सी स्वागत किया गया, और फिर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बहुत पहली बार हम लोग आए यहाँ पे, बहुत अच्छे से यहाँ पर रखा हुआ था। राहुल, आप यहाँ पर आए आपको कैसा मतलब महसूस हुआ, क्या आप ऐसा कुछ देखे थे? माइंड में होने लगे बहुत सारे डिवाइस देखे, उसके बारे में जाने, उससे हम लोग को बहुत नॉलेज मिला। इसके लिए हम बहुत पीपी से भी सब कुछ हो गया, बहुत अच्छा लगा हमें। अब थोड़ा है पेट, थोड़ा पेट पूजा भी हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत देर पहले हम लोग आए, सुबह तो लाए सांझ करवा दिए हैं। आप यहाँ पर आए आपको कैसा महसूस हुआ? आहा फूल गोभी आ कोहड़ा ई, अरे ई वाला तो वहाँ लगा हुआ था, कोहड़ा है तो लंबा कोहड़ा अभी ना हम देख के आए वहाँ पे। हाँ इस फॉरन में भी होता है, अभी इंडिया में इसका ही नहीं था। अरे फलो फलो फलो, उधर नहीं उधर नहीं, अरे उधर नहीं उधर नहीं। यह है CSIR का गार्डन एरिया जहां पर अभी हम घूमने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नहीं अच्छा ठीक है यहीं से ले लेंगे। तो यहां पर गार्ड अंकल ने हमें गार्डन एरिया उधर साइड में जाने से मना कर दिया है, तो हम उधर नहीं जाएंगे और हम दूसरे साइड चलेंगे, तो चलिए। हमारे ये CSIR का आने का मकसद अब यहाँ पर हमारे दिमाग से और हमारी मैडम और यहाँ पर पप्पू हमारे पीछे घूम रहे।
रहा है। और यहाँ पर पप्पू और अनुज कुमार निराला कुछ बोलेंगे। हम लोग तो ऐसा मतलब हमारे हम लोग तो अभी तक देखे नहीं थे, मतलब ग्राउंड और बहुत सारे चीज भी, जैसे इन हम लोग आज तक ये चामुंडा पार्क घूमे थे और अलग अलग पार्क घूमे थे, लेकिन इतना सुंदर दृश्य हमने अभी तक नहीं देखा था। लेकिन अभी आज हम लोग इस सब ये सब घूम लिए हैं और हम लोग घर की ओर जाने वाले हैं। धन्यवाद, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, तो हमारा बस आ गया है और अब हम अपने बस की ओर जा रहे हैं। और यहाँ पर खालीपुर कुछ बोल रहा, अनबॉक्सिंग करेगा। हाँ, बजा दे उसको, बजा दे एक बार। देखिए सरकारी स्कूल के लड़का नियत कर रहे हैं और यहाँ पर भैया लोग खड़ा है और दूसरे के गार्डन के गाड़ी खड़ा है। अब हम लोग जा रहे हैं और यहाँ पर अलग अलग बसें खड़ी हैं, तो अब हम लोग जा रहे हैं। ये इनका एग्जिट पॉइंट था, अब हम लोग जाना। हमारे पप्पू भैया सामने आ गए हैं, अब ये कुछ बोलेंगे। बोलिए। देखिए जैसे कि ऐसे सरकारी स्कूल का लड़का करता है, आवाज भी निकाल सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। रिसोर्ट में पीपी बोलते हैं। पीपी पप्पू आगे घुसेगा। यहाँ पर हम लोग का सीट पर मार होते हुए, लेकिन आज हम लोग को वीडियो बनाना है इसलिए हम लोग आगे ही बैठेंगे। और यहाँ पर हमारे पप्पू भैया बैठे हुए हैं और बस चलाने के लिए हम लोग को ब्लॉग बनाना है, इसीलिए हम लोग आज आगे की सीट पर बैठे हुए हैं। वरना मैं तो इतना हरामी हूँ कि आगे पीछे आगे कभी बैठू नहीं, हमेशा पीछे ही रहा हूँ। आप देखिए सुरेश भैया हमारे बस को तैयार कर रहे हैं कि हमारा बस चलेगा, ठीक है। और यहाँ पर पहला गियर लग गया है और अब हम लोग चलने वाले हैं और हमारा बस चल चुका है। और आप देखेंगे यहाँ पर इसकी एग्जिट गेट यहाँ पर हम लोग को मिलने वाली है। और यहाँ पर हमारे सर को सीट नहीं मिला है तो सर आगे आ गए। और ये इसका एग्जिट गेट है और हम लोग बाहर निकल गए हैं। आप देख रहे हैं हमारे स्कूल में, अब हम लोग आ गए हैं
आ रहा हूँ।